हेलो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर फाइव अरेथमेटिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में अरेथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन और बेसिक uh, क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं नाउ द एनथ टर्म ऑफ एपी दैट मींस फॉर्मूला फॉर एनथ टर्म ऑफ एपी

मीन्स ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन जो ए पी है उसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है देन फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म मीन्स ए ए मीन्स ए ए वन इजिक्वल्स टू ए ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस जीरो इंटू डी क्योंकि इसमें डी नहीं था तो जीरो इन करके हम डी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ए प्लस जीरो इंटू डी और हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी ओके अब सेकेंड टर्म देखिए सेकेंड टर्म ए टू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस डी दैट मीन्स ए वन प्लस डी सो ए प्लस डी सेकेंड टर्म और ए प्लस डी को हम लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी मतलब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे वन माइनस वन इंटू डी आया और सेकेंड टर्म है तो उसमें टू माइनस वन इंटू डी आया ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी ओके नेक्स्ट थर्ड टर्म ए पी का यदि हम थर्ड टर्म डिसाइड करें तो ए थ्री देट मीन्स ए टू प्लस डी एंड ए टू क्या है हमारा ए प्लस डी प्लस डी देट मीन्स ए प्लस टू डी थर्ड टर्म And third term a plus 2d is equals to a plus 3 minus 1 into d. Similarly, fourth term um, uh, fourth term a4 um, four is equals to a plus 3d. A plus 3d means a plus 2d plus d. That means a plus 3d. ठीक है ए थ्री प्लस डी इसकी वैल्यू आई ए प्लस थ्री डी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी मतलब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ए वन है तो ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी और सेकेंड टर्म ए टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी थर्ड टर्म ए थ्री ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी एंड फोर्थ टर्म ए फोर ए प्लस फोर माइनस वन डी तो इस तरीके से हम इन जनरल वे एन माइनस वन टर्म यदि हम निकालना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे ए एन माइनस वन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन माइनस वन इंटू डी दैट मीन्स ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी हो गया ओके और एन टर्म यदि हम निकालना चाहें तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मतलब जितना जो टर्म होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो जितना टर्म होता है उसका माइनस वन ए प्लस उतना माइनस वन इंटू डी तो इस तरीके से एनेथ टर्म क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यदि हमारे पास कोई ए पी गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हो So, uh, uh, the uh, nth term of an AP whose first term A and common difference D is given by An is equals to A plus n minus 1 into D. मतलब किसी भी ए बी का ए पी का टर्म हम ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टर्म दैट मीन्स टर्म उसका ए पी का जैसे पहला दूसरा तीसरा ऐसा होता है उसमें टर्म जो है टर्म उसको हम ए एन से शो करते हैं ओके ए एन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ ए पी मतलब हम ए पी का जनरल टर्म बोल करके हम ए एन को यूज़ करते हैं हाँ इफ द देर आर एन टर्म्स ऑफ एन ए पी जरा यदि ए पी के सिर्फ एन टर्म है मतलब ए पी हमारी फाइनाइट ए पी है देन ए एन रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एल यदि हमारा फाइनाइट ए पी है मतलब एन टर्म वाला ए पी है वन टू थ्री फोर उसमें एन ही टर्म है सपोज तो एनवा टर्म तो वो लास्ट टर्म होगा तो उसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं एन एथ टर्म को और जिसको हम लास्ट टर्म के एल से डिनोट करते हैं ओके सपोज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो वन ए एन ये फाइनइट ए पी यदि हमको गिवन है तो हम लास्ट टर्म ए एन इजिक्वल्स टू एल ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं इसलिए हमारा फाइनाइट ए पी के लिए एनेथ टर्म का फॉर्मूला यदि एक फाइनाइट ए पी दी है जिसमें एंड टर्म्स है तो उसका लास्ट टर्म एल उसका फार्मूला हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से भी निकाल सकते हैं ओके तब स्टूडेंट्स इस फार्मूले का यूज़ एप्लीकेशन हम यहाँ देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हम यहाँ सॉल्व करेंगे नाउ एग्जाम्पल थ्री फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ ए पी टेंथ टर्म ऑफ ए पी टू सेवन ट्वेल्व एंड सो ऑन दैट मीन्स हमको ए पी ऑलरेडी गिवन है तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए पी टू सेवन ट्वेल्व एंड सो ऑन हियर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू टू एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू सेवन माइनस टू ए टू में से हम ए वन को माइनस करेंगे सेवन माइनस टू फाइव आ गया तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फर्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे अब हमको क्या फाइंड आउट करना है टेंथ टर्म टेंथ टर्म मतलब ए टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए टेन तो यहाँ पे ए टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब एन की वैल्यू एन टर्म में हमको एन की वैल्यू टेन रखनी है ओके okay, एन की वैल्यू हमको यहाँ टेन रखनी है तब हम यहाँ एनथ टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एनथ टर्म ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए यदि दी एनथ टर्म है तब हम इसको हम ए एन लिखते हैं नीचे और तब यहाँ पे हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं पर यदि हमको टेंथ टर्म निकालना है तो हम यहाँ पे ए टेन लिखेंगे और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी दैट मीन्स ए प्लस नाइन डी हमेशा याद रखिए यदि हमको पांचवा टर्म निकालना है तो उससे डी के साथ उससे एक कम होता है, जैसे ए टेन इज इक्वल्स टू ए प्लस नाइन डी है वैसे फिफ्थ टर्म होगा तो ए प्लस फोर डी होगा एट्थ टर्म होगा तो ए प्लस सेवन डी होगा ओके okay, एक कम जितना टर्म है उससे एक कम इंटू डी होना चाहिए ए प्लस के साथ ओके okay? तो अब यहाँ पे हम ए प्लस नाइन डी हमारा टेंथ टर्म हो गया अब इसमें हम वैल्यू अप करेंगे ए इज इक्वल्स टू टू एंड डी इज इक्वल्स टू फाइव सो टू प्लस नाइन इंटू फाइव दैट मीन्स टू प्लस फोर्टी फाइव इज इक्ल्स टू फोर्टी सेवन सो ए टेन मीन्स टेंथ टर्म कितना हो गया फोर्टी सेवन हो गया टेंथ टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू फोर्टी सेवन दिस इज अवर आंसर ये एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन था नाउ एग्जाम्पल फोर example for which term of a p 21 18 15 and so on is minus 81 and also is any term of a p 0 एंड गिव रीज़न मतलब हमको एक ए पी गिवन है ट्वेंटी वन एटीन फिफ्टीन एंड सो ऑन इसका कोई टर्म एट्टी वन है माइनस एट्टी वन है क्या क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ए पी ट्वेंटी वन से स्टार्ट हो रही है और उसके सेकेंड थर्ड टर्म उससे छोटे 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 होते जा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में दैट मीन्स कभी तो भी जीरो भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है या फिर और नेगेटिव टर्म भी आएंगे इसके इसीलिए उन्होंने पूछा है कि इस ए पी का कोई टर्म माइनस एट्टी वन कोई टर्म है क्या ये हमको कन्फर्म करना है और हमको ये भी कंफर्म करना है कि ए पी का जीरो कोई दूसरा टर्म है क्या ओके okay, तो इसके लिए हम फर्स्ट सॉल्यूशन में लिख देंगे गिवन ए पी हम पहले लिखेंगे ट्वेंटी वन एटीन फिफ्टीन एंड ऑन फर्स्ट टर्म ए वन इज ए इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टूटी एटीन माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू माइनस थ्री ओके तो इस तरीके से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया ठीक अब हमको इसमें हमको डिसाइड करना है कि माइनस एट्टी वन इस ए पी का कुछ कौन सा टर्म है तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट nth टर्म बी माइनस एट्टी वन मतलब ए पी का एन एथ टर्म माइनस एट्टी वन है मीन्स ए एन इज इक्वल्स टू माइनस एट्टी वन है ये हमने एज्यूम कर लिया यदि ए एन एंड माइनस एट्टी वन है तो हमको एन की वैल्यू निकालने की कौन सा हम्म तो ए एन का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्ल्स टू माइनस एट्टी वन होना चाहिए ओके okay. अब हम वैल्यू पुट करेंगे ए इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन एंड डी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री सो ट्वेंटी वन प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस एट्टी वन तभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने की दो मेथड्स है स्टूडेंट्स मैं दोनों आपको बताने वाली हूँ ये ये जो हमारा है ट्वेंटी वन प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री इजिक्वल्स टू एट्टी वन इसमें हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे देखिए दो टर्म है लेफ्ट साइड में ट्वेंटी वन एक टर्म है और एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री ये दूसरा टर्म है तो इसमें ट्वेंटी वन यदि हम र, 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 राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिलेगा एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस एट्टी वन माइनस ट्वेंटी वन मीन्स एन माइनस वन इंटू थ्री इज इक्व टू माइनस वन हंड्रेड एंड टू अब यहाँ पे एन माइनस वन इंटू थ्री हाँ एक ये एक, एक सिंगल टर्म है तो इसमें माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन में है तो यदि हम साइड चेंज करेंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा सो एन माइनस न इज़ क्वाल्स टू माइनस 102 बाई माइनस 3 माइनस माइनस कैंसल हो गया और 102 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा तो एन माइनस 1 इज़ क्वाल्स टू 34 दैट मेंस एन इज़ क्वाल्स टू 34 प्लस 1 मींस 35 एन की वैल्यू 35 आएगी ओके okay, मतलब हमारा थर्टी फिफ्थ टर्म माइनस एट्टी वन होना चाहिए ओके okay? तो इसको हम सॉल्व इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर एक और हमने यहाँ मेथड साइड में लेफ्ट साइड में करी है ये जो हमारा इक्वेशन है ट्वेंटी वन प्लस एन माइनस वन इन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एट्टी वन इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो माइनस थ्री है पहले एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आएगा ट्वेंटी वन माइनस थ्री एन माइनस माइनस प्लस थ्री इज टू माइनस एट्टी वन अब ट्वेंटी वन और प्लस थ्री एड होके ट्वेंटी फोर हो जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस थ्री एन इज इक्ल्स टू माइनस एट्टी वन ओके तो अब हम एक काम करेंगे माइनस एट्टी वन लेफ्ट साइड में और माइनस थ्री एन राइट साइड में ले लेंगे देन ट्वेंटी फोर प्लस एट्टी वन इज इक्ल्स टू थ्री एन सो वन हंड्रेड एंड फाइव इज इक्वल्स टू थ्री एन देट मीन्स थ्री एन इज टू वन हंड्रेड एंड फाइव तो एन इज़ इक्वल्स टू वन हंड्रेड एंड फाइव बाई थ्री थर्टी फाइव आ जाएगा एन की वैल्यू थर्टी फाइव मतलब दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ करिए दोनों मेथड हमारी करेक्ट है अब जो मेथड आपको ईजी लगती है उससे कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे n की वैल्यू 35 फाइव मीन्स थर्टी फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज़ माइनस एट्टी वन ये हमको पता चल गया अब हमको इस क्वेश्चन में और एक आंसर था कि इस ए पी का कोई टर्म जीरो है क्या इज ज़ीरो इज एनी टर्म ऑफ ए पी सो ऊपर हमने जैसे सॉल्व किया वैसे ही करेंगे हम एज्यूम कर लेते हैं कि एम एथ टर्म पहले हमने एनएथ टर्म लिया था अब हम एम एथ टर्म ले रहे हैं सपोज एम एथ टर्म ए पी का जीरो है दैट मीन्स ए एम इज इक्वल्स टू जीरो है ठीक तो है तो ए एम इज इक्वल्स टू जीरो है तो जैसे ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वैसे ही ए एम का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए ठीक है यदि ए पी का टर्म जीरो है तो अब वैल्यू रखो ट्वेंटी वन ए की वैल्यू और डी की वैल्यू माइनस थ्री सो ट्वेंटी वन प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो तब इसमें हम माइनस थ्री यदि अंदर मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी वन माइनस थ्री एम प्लस थ्री इज इक्ल्स टू जीरो दट मीन्स ट्वेंटी फोर प्लस थ्री एन इज इक्ल्स टू जीरो देन ट्वेंटी फोर इज इक्ल्स टू थ्री एन देन एन इज इक्ल्स टू ट्वेंटी फोर बाई थ्री सो एन इज इक्ल्स टू एट अब यहाँ हमको एन की वैल्यू एट मिल गई देट मीन्स एट्थ टर्म ऑफ ए पी इज ज़ीरो ए पी का एटथ टर्म जीरो होना चाहिए मतलब ए पी में ज़ीरो भी एक टर्म है और माइनस एट्टी वन भी टर्म है एट्थ टर्म जीरो है और थर्टी फिफ्थ टर्म माइनस एट्टी वन है ओके okay? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में कौ, कौन सा टर्म कित ए पी में है या नहीं वो हम डिसाइड कर सकते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल फाइव एकदम सिंपल एग्जाम्पल है डिटरमाइन द ए पी थर्ड टर्म इज फाइव एंड सेवेंथ टर्म इज नाइन मीन्स डिटरमाइन द ए पी मतलब हमको ए पी फाइंड आउट करनी है ओके okay? हमको ए पी फाइंड आउट करनी है जिसका थर्ड टर्म हमको फाइव गिवन है और सेवन्थ टर्म नाइन्थ नाइन गिवन है तो उससे हमको ए पी फाइंड आउट करनी है और स्टूडेंट्स ए पी फाइंड आउट करने के लिए हमको फर्स्ट टर्म ए की ज़रूरत पड़ती है और कॉमन डिफरेंस डी की जरूरत पड़ती है यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो हम ए पी ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay? तो इसके लिए हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ रिक्वायर्ड एपी जो एपी हमको फाइंड आउट करनी उसका B, है उसका फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी है ठीक है कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए है तो अब हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में थर्ड टर्म फिफ्थ है थर्ड टर्म उसका फाइव दिया है मतलब ए थ्री की वैल्यू हमको फाइव दी है ठीक है अब फॉर्मूला हमारा ए एन के लिए ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी है यहाँ पे ए एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन है एक कम तो यहाँ पे ए थ्री दिया है मतलब हम इसको ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू फाइव लिख सकते हैं मतलब थर्ड टर्म मीन्स ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू फाइव यह हो गया हमारा इक्वेशन वन ठीक है अब नेक्स्ट हमको गिवन है सेवेंथ टर्म ए सेवन की वैल्यू नाइन दी है तो ऐसे ये हमने ऊपर लिखा है उसी हिसाब से मैं ए प्लस सिक्स डी लिख सकती हूँ सेवन में एक माइनस वन तो ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल्स टू नाइन हो गया इसको हम इक्वेशन टू बोलेंगे अब इक्वेशन वन और टू ए और डी में हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गए जैसे एक्स वाई में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करते थे वैसे ए और डी में मिल गए तो अब ये दोनों इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर इक्वेशन टू बड़ा है तो इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस करें तो एक ए एलिमिनेट हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल्स टू नाइन ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू फाइव यदि हम माइनस करेंगे तो नीचे के तीनों टर्म माइनस हो जाएंगे सो ए माइनस ए जीरो ठीक है ए माइनस ए ज़ीरो एंड देन सिक्स डी सिक्स डी प्लस माइनस टू डी फोर डी एंड नाइन माइनस फाइव फोर तो डी की वैल्यू हमारी वन आ गई अब डी की वैल्यू हम इक्वेशन वन में यदि रख देते ए की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन वन ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू फाइव सो ए प्लस टू इन वन इज इक्वल्स टू फाइव सो ए प्लस टू इज इक्वल्स टू फाइव मीन्स ए इज इक्वल्स टू थ्री अब हमको ए की वैल्यू थ्री और डी की वैल्यू वन मिल गई तब हम ए पी फाइंड आउट कर सकते हैं ओके तो ए पी देखिए ए पी ए वन ए वन मीन्स ए ए की वैल्यू है थ्री ए टू ए टू मीन्स ए प्लस डी देट मीन्स थ्री प्लस वन फोर ए थ्री ए थ्री ए प्लस टू डी थ्री प्लस टू फाइव तो इस तरीके से हम आ, न, न, ए पी के नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं ओके सो so, अवर रिक्वायर्ड ए पी इज थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन ये हमारे ए पी हो गए तो इस तरीके से यदि हमको ए पी के कोई भी दो टर्म हमको गिवन हो तो हम उसकी हेल्प से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर ए पी निकाल सकते हैं ओके तो यहाँ पे आज हमने तीन एग्जाम्पल देखे हैं और इन तीनों एग्जाम्पल की हेल्प से हम कुछ एक्सरसाइज के बेसिक क्वेश्चन करेंगे ठीक है अब यहाँ पे हमको देखिए जनरल फॉर्मूला है फॉर एन ए पी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है एनएच टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इजिक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब इस फॉर्मूले में अननोन टर्म्स कितने हैं देखिए ए एन एक अननोन टर्म है एक अननोन है एन है और डी है मतलब हमारे पास इस फॉर्मूले में फोर अननोन टर्म्स है तो इसमें से इस फोर अननोन टर्म में से ए एन ए एन ए एंड डी एंड ए एन ये फोर टर्म में से यदि कोई भी तीन वैल्यू हमको मालूम है तीन अननोन uh, टर्म की वैल्यू मालूम है तो हम फोर्थ वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में रख के ओके okay? तब हमको इसका इस फॉर्मूले का यूज़ हमको करना है ठीक है अब देखिए एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू में पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज एनेथ टर्म ऑफ ए पी ठीक है यहाँ पे हमको क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि ए पी का फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी एनेथ टर्म ए एन और एनेन की वैल्यू मतलब एनेथ टर्म कितवा कौन सा टर्म है वो भी हमको दिया है तब इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यू दी है चौथी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इसमें हमको टोटल फाइव क्वेश्चन गिवन है इसमें से दो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ओके अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू इसमें हम क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट देखेंगे सेकंड में हमको क्या गिवन है देख लीजिए हाँ हमको ए की वैल्यू माइनस एटीन दी है एन की वैल्यू टेन दी है और ए की वैल्यू माइनस एटीन एन की वैल्यू टेन और एन uh, की वैल्यू जीरो मतलब ए पी का फर्स्ट टर्म माइनस एटीन है और ए पी का एन एथ टर्म जीरो है और एनएथ टर्म कितवा टर्म है टेंथ टर्म टेंथ टर्म एनएथ टर्म है मतलब टेंथ टर्म की वैल्यू ज़ीरो है हमारी ठीक है तो हमको डी की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ करनी है ठीक ओके okay. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन uh, सॉल्व uh, करेंगे इन गिवन ए पी ए इज इक्वल्स टू माइनस एटीन एन इज इक्वल्स टू टेन ए एन इज इक्वल्स टू जीरो देन वी हैव टू फाइंड डी तो फर्स्ट हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे एन एच टर्म एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी अब इसमें इसमें फॉर्मूले को हमने रिवर्स करके लिखा फॉर्मूले का लेफ्ट और राइट साइड रिवर्स करके लिखा देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू एन अब हमने इसको रिवर्स क्यों किया क्योंकि इसमें हमको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जनरली हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको लेफ्ट साइड में हम रखते हैं इसलिए मैंने इसको रिवर्स किया आप रिवर्स नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर रिवर्स करने से अच्छा रहता है अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे ए इज इक्वल्स टू माइनस एटीन एन इज इक्वल्स टू टेन एंड ए एन इज इक्वल्स टू जीरो सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस एटीन इज इक् माइनस एटीन प्लस टेन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो दैट मीन्स माइनस एटीन प्लस नाइन डी इज इक्ल्स टू जीरो देन नाइन डी इज इक्वल्स टू एटीन एंड डी डी इज इक्वल्स टू एटीन बाई नाइन टू अब डी की वैल्यू टू आ गई तो एकदम सिंपल है कोई सिर्फ हमको नेक्स्ट टर्म के फार्मूले में वैल्यू रखनी है और चार में से तीन वैल्यू यदि गिवन है तो चौथी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अननोन वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं अब इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में हमको गिवन ए पी में फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू माइनस एटीन पॉइंट नाइन दिया है कॉमन डिफरेंस डी टू पॉइंट फाइव दिया है और एनेथ टर्म थ्री पॉइंट सिक्स दिया है तो हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब ए पी में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन है और एनेथ टर्म दिया है तो एनेथ टर्म कितवा टर्म है कौन सा टर्म है पहला दूसरा तीसरा दसवां बारहवा कौन सा टर्म है एनेथ टर्म हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कितने नंबर वाला टर्म है ठीक है मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी अब इसके लिए हम हमारा फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ए एन इसमें भी हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसलिए हमने फार्मूला लेफ्ट राइट साइड चेंज करके लिखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेफ्ट साइड में लिखा है इक्वल्स टू ए एन अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे ए माइनस एटीन पॉइंट नाइन प्लस एन माइनस वन इंटू डी मीन्स टू पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट सिक्स अब

यहाँ पे टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लीकेशन में है, तो साइड चेंज होके डिवीजन में जाएगा तो एन माइनस वन इज टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव बाई टू पॉइंट फाइव अभी हम इसके पॉइंट हटाएं तो दोनों भी एक डिजिट पॉइंट के बाद एक एक ही डिजिट है इसलिए हम इसको टू ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव लिख सकते हैं सो एन माइनस वन इज टू नाइन तो एन इज टू टेन हो जाएगा हमारा ओके तो इस तरीके से हम आ, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन बाकी जो दोनों तीनों क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं इसमें से दो हमने सॉल्व किए हैं बाकी तीन क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर टू में दो क्वेश्चन हैं जिसमें दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के ठीक है तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा ज़, क्लियर होगा इसलिए आप उसको सॉल्व करिए तो क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट देखिए हमको फाइंड आउट करना है इलेवेंथ टर्म ऑफ ए पी माइनस थ्री माइनस वन बाई टू टू एंड सो ऑन तो फर्स्ट हम यहाँ पे गिवन ए पी गिवन ए पी क्या है माइनस थ्री माइनस वन बाई टू टू एंड सो ऑन तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू वन बाई टू माइनस माइनस थ्री दैट मींस वन बाई टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू वन प्लस सिक्स बाई माइनस वन प्लस सिक्स बाई टू इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया फाइव बाई टू आया ओके तब हम यहाँ पे हमको एन एथ टर्म फाइंड आउट एन एथ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे एन एथ टर्म इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी हमको इलेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ इलेवन रखें तो ए इलेवन इज इक्वल टू ए प्लस इलेवन माइनस वन मीन्स ए प्लस टेन डी लिखेंगे देखिए स्टूडेंट्स आपको ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए अब फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि यदि ए एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन होता है तो यदि इलेवन होगा तो यहाँ पे एक कम मतलब टेन होना चाहिए तो यहाँ पे ए इलेवन का वैल्यू हो जाएगा ए इलेवन इजिकल्स टू ए प्लस टेन डी अब वैल्यू रख देंगे ए इजिक्वल्स टू माइनस थ्री एंड डी इजिकल्स टू फाइव बाई टू सो माइनस थ्री प्लस टेन इं टू फाइव बाई टू यहाँ पे कैंसिल हो के टू और टेन कैंसिल होके फाइव देगा सो माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव मीन्स ट्वेंटी टू तो यहाँ पे 11th टर्म ऑफ ए पी कितना हो गया माइनस ट्वेंटी टू ओके सॉरी इलेवंथ टर्म ऑफ ए पी ट्वेंटी टू नॉट माइनस ट्वेंटी टू तो इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखें थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है इन फॉलोइंग ए फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस अब हमको कुछ कुछ ए पी गिवन है ए पी में एक या दो टर्म हमको गिवन है और बाकी सारे बॉक्सेस के फॉर्म में दिए हैं मिसिंग टर्म्स तो हमको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है तो इसमें हमको थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखें हमको ए पी गिवन है फाइव दो बॉक्स बीच में दिए और नाइन एस टू वन बाई टू मतलब गिवन मतलब ए पी है फाइव डैश डैश नाइन एज टू वन बाई टू मतलब फर्स्ट इसको यदि हम ए वन ए टू ए थ्री ए फोर लिखें एज्यूम कर ले लेट ठीक है तो हमको ए वन की वैल्यू दी है फाइव मतलब फर्स्ट टर्म फाइव दिए और ए फोर की वैल्यू मतलब फोर्थ टर्म हमको नाइन एस टू वन बाई टू गिवन है ओके तब हम गिवन हमको गिवन क्या है ए पी में ए वन मतलब ए फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू फाइव ठीक है और इसको हम इक्वेशन वन लिख देंगे और उसके बाद फोर्थ हमको गिवन है ए फोर इज इक्वल्स टू नाइन इज टू वन बाई टू मीन्स नाइनटीन बाई टू ए फोर की वैल्यू नाइनटीन बाई टू है तो हमारा जो फॉर्मूला है nth टर्म वाला ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इस फॉर्मूले से हम ए फोर को क्या लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी लिख सकते हैं सो ए प्लस थ्री डी इज इक्ल्स टू नाइनटीन बाई टू होगा तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन वन से फाइव फाइव प्लस थ्री डी इजिक्वल्स टू नाइनटीन बाई टू देन थ्री डी इज इक्वल्स टू नाइनटीन बाई टू माइनस फाइव

ठीक है अब डी की वैल्यू थ्री बाई टू हो गई अब इससे हमको ए की ए की वैल्यू ऑलरेडी मालूम थी हमको फाइव डी की वैल्यू मिल गई अब हम ए पी निकाल सकते हैं तो ए इसमें हमको सेकंड और थर्ड टर्म मिसिंग था तो सेकंड टर्म ए टू इजिक्वल्स टू देखिए हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं ए टू इजिक्वल्स टू ए प्लस डी या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए वन प्लस डी तो फर्स्ट टर्म ए वन हमारा कितना है फाइव और डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है फाइव थ्री बाई टू सो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा फाइव प्लस थ्री बाई टू मीन्स थर्टीन बाई टू ठीक है अब हमको थर्ड टर्म भी मिसिंग दिया था तो थर्ड टर्म हम आ, ए, ए, ए थ्री एनेथ टर्म की फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस टू डी होगा ठीक है तो ए मीन्स फाइव प्लस टू इंटू थ्री बाई टू 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 कैंसिल हो गया या फाइव प्लस थ्री एट हो गया तो इस तरीके से हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं या फिर हम थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते कि ए टू प्लस डी ए टू प्लस डी इस तरीके का ये फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं ए टू की वैल्यू थर्टीन बाई टू प्लस डी मीन्स थ्री बाई टू थर्टीन बाई टू और प्लस थ्री बाई टू कितना हो गया थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन बाई टू मीन्स एट हो जाएगा वैसे भी हम निकाल सकते हैं तब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया फाइव थर्टीन बाई टू एट नाइन नाइन इज टू वन बाई टू यह हमारा ए पी हो गया और यही हमको फाइंड आउट करना था ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको पाँच चार पाँच दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में बाकी के आपको सॉल्व करना है एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन उसका फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री गिवन ए पी हमको ए पी क्या गिवन है डैश थर्टी एट डैश 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 माइनस ट्वेंटी टू मतलब ए यदि हम इसको ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ऐसे सिक्स टर्म्स एज्यूम कर ले तो हमको यहाँ पे ए टू मतलब सेकेंड टर्म गिवन है थर्टी एट और ए सिक्स मतलब सिक्स टर्म हमको माइनस ट्वेंटी टू की है तो हमको ए पी फाइंड आउट करनी है अभी फिर से मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट ए पी फाइंड आउट करने के लिए हमको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी की जरूरत है तो दोनों फाइंड आउट करने के लिए हमको ये दो टर्म हेल्प करेंगे सेकेंड so टर्म और सिक्स टर्म ओके तब इसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम uh, करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ए वन इजकल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है कभी भी यदि हमको ए पी के फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ए पी निकालनी है तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस यदि दिया नहीं है तो उसको पहले एज्यूम करो ठीक है फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी तो अब हम लिखेंगे कि हमको गिवन है सेकेंड टर्म मतलब ए टू ए टू की वैल्यू हमको थर्टी एट दी है मतलब ये फॉर्मूला ए एन इजिक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इससे ए टू की वैल्यू ए प्लस डी हो जाएगी तो ए प्लस डी की वैल्यू थर्टी एट गिवन है ये हो गया इक्वेशन वन अब नेक्स्ट हमको गिवन है ए सिक्स इजिक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी टू ए सिक्स की वैल्यू में माइनस ट्वेंटी टू गिवन है दैट मीन्स ए प्लस फाइव डी इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी टू गिवन है इक्वेशन टू अब इक्वेशन वन और टू ये दोनों में से इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन यदि हम माइनस करें तो देखिए ए प्लस फाइव डी इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी टू एंड ए प्लस डी इज इक्वल्स टू थर्टी एट अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे तीनों साइन माइनस हो जाएंगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और फाइव डी माइनस डी फोर डी एंड माइनस ट्वेंटी टू माइनस थर्टी एट माइनस ठीक है तो d इज इक्वल्स टू माइनस सिक्सटी बाई फोर दैट मीन्स माइनस फिफ्टीन डी की वैल्यू माइनस फिफ्टीन आ गई अब इक्वेशन वन हमारा क्या था ए प्लस डी इज इक्वल्स टू थर्टी एट इसमें यदि हम डी की वैल्यू माइनस फिफ्टीन रखें तो ए फाइंड आउट कर सकते हैं सो ए प्लस माइनस ए माइनस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू थर्टी एट सो ए इज इक्वल्स टू थर्टी एट प्लस फिफ्टीन ए इज इक्ल्स टू फिफ्टी थ्री दैट मीन्स ए पी का फर्स्ट टर्म ए वन मीन्स ए की वैल्यू फिफ्टी थ्री मिल गई ठीक है और कॉमन डिफरेंस डी हमने क्या निकाला है देखिए माइनस फिफ्टीन तब हम बाकी के टर्म निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म मालूम हो गया सेकेंड टर्म हमको गिवन था थर्टी एट अब थर्ड टर्म हमको निकालना है तो थर्ड टर्म ए थ्री ए प्लस टू डी इज इक्ल्स टू फिफ्टी थ्री प्लस टू इंटू माइनस फिफ्टीन देट मीन्स फिफ्टी थ्री माइनस थर्टी इज इक्ल्स टू ट्वेंटी थ्री ये हमारा थर्ड टर्म आ गया ठीक है तो जैसे हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट किया है वैसे हमको फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट करना है फिफ्थ भी क्योंकि सिक्स टर्म हमको गिवन था तो फोर्थ टर्म हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एक तो ए थ्री प्लस डी करके भी निकाल सकते हैं ए थ्री हमने अभी ट्वेंटी थ्री निकाला है ट्वेंटी थ्री माइनस फिफ्टीन तो ए फोर इजिकल्स टू एट हो गया या फिर हम इस तरीके से भी ए थ्री की फोर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए फोर इजिकल्स टू ए प्लस थ्री डी एन एच टर्म की फॉर्मूले से तो ए की वैल्यू फिफ्टी थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन फिफ्टी थ्री माइनस फोर्टी फाइव एट दोनों में से हम कोई भी एक मेथड यूज़ करेंगे ठीक है तो हमको फोर्थ टर्म एट आ गया अब फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम ए फोर प्लस डी करके फोर्थ टर्म प्लस डी फोर्थ टर्म हमारा एट है एट माइनस फिफ्टीन दैट मीन्स माइनस सेवन फिफ्थ टर्म हो गया माइनस सेवन तब जो बॉक्सेस मिसिंग थे वो हम लिख देंगे सो हमारा ए पी क्या हो जाएगा फिफ्टी थ्री थर्टी एट गिवन था ट्वेंटी थ्री एट्स माइनस सेवन एंड माइनस ट्वेंटी टू गिवन था यह हमारा ए पी आ गया या हम इस तरीके से हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया तब इसके बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ठीक है अब इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री तक के एक्सरसाइज का आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर फोर हम हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया है एग्जाम्पल फोर उसके टाइप का है तो उस क्वेश्चन नंबर फोर को भी ट्राई कीजिए मतलब आ, हमने तीन एग्जांपल और एक्सरसाइज के फोर क्वेश्चन तक के आपको आज होमवर्क कंप्लीट करना है ओके थैंक यू